मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कई स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए पहल किया गया है। अलग अलग महत्वपूर्ण मंत्रालयों में नए नीतिगत फैसले लिए गए। मेरे साथ राजीव रंजन सिंह ललन हैं, जो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज मंत्री हैं। NDTV में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल ये कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, और पहले 100 दिनों में किस स्तर पे आपने बदलाव करने की कोशिश की और क्या बड़े फैसले किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जो फिशरी सेक्टर है, फिशरी सेक्टर में जो 2019 से प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया इस सेक्टर को अलग विभाग बना के, वहाँ से इस सेक्टर का डेवलपमेंट शुरू, और कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने 2019 के बाद से 14 के बाद से शुरू किया। जैसे ब्लू रेवोल्यूशन हुआ, फिर FIDF फंड उन्होंने बनाया, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की योजना बनाई उन्होंने, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा किसान समृद्धि उत्साह योजना बनाया। तो ये सारे जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के कारण आज मछली के उत्पादन में हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर पर है, और लगभग 60,000 करोड़ रुपए का हम निर्यात भी करते हैं प्रतिवर्ष। तो और अब उसमें और उसको बढ़ाने के लिए जो 100 दिन में हम लोगों ने फैसले किए हैं, उसमें हम आपको एक बताएं कि 364 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोगों ने एक ट्रांसपॉन्डर सिस्टम डेवलप किया। वो ट्रांसपॉन्डर सिस्टम हम 1,00,000 अभी मछुआरों को मुफ्त दे रहे हैं, और इंडिया स्पेस लिमिटेड एक हमारी देसी कंपनी है, उसने इसको ईजाद किया। इसको हम सैटेलाइट से जोड़ के और इसको कनेक्ट कर रहे हैं मछुआरों तक। मछुआरे आज समुद्र में जाते हैं मछली मारने, महीनों समुद्र के अंदर रहते हैं, उनका कोई परिवार में क्या हो रहा है कुछ नहीं, कोई पता नहीं चलता है। इस ट्रांसपोर्टर के माध्यम से वो लगातार अपने परिवार के संपर्क में रहेंगे, वो अपने वेसल्स के मालिक के संपर्क में रहेंगे, वो जो जमीनी स्तर पर जो फिशरी से जुड़ा ऑफिस है उसके संपर्क में रहेंगे, वेसल्स कंपनी के मालिक से संपर्क में रहने से उनके वेसल्स में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, वो उनको सूचित कर सकते हैं और मदद मांग सकते हैं। उसके अलावा जो मछुआरे हैं उनको ये सुविधा मिलेगी कि कोई किसी भी समुद्री इलाके में अगर पूर्वानुमान है कोई चक्रवात की, तो उस चक्रवात की सूचना उनको दी जाएगी ताकि वो समुद्र से बाहर समय रहते निकल सके। इसके अलावा कभी कभी मछुआरे मछली मारते मारते उनको ज्ञान नहीं रहता है, सीमा पार कर जाते, तो जैसे ही सीमा वो पार करेंगे ये ट्रांसपॉन्डर उनको सिग्नल देगा कि आप सीमा पार कर रहे हैं, ये उनको अलर्ट जारी करेगा। मछुआरों को सैटेलाइट के माध्यम से ये बताया जाएगा कि किस क्षेत्र में मछली ज़्यादा संख्या में उपलब्ध है ताकि वहाँ फिशिंग वो कर सके। तो ये सारी सुविधा ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से दी जाएगी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पालघर में से इसको लॉन्च किया और कई किसानों को उन्होंने मुफ्त बांटा। हम 1,00,000 ट्रांसपोंडर अभी किसानों को मुफ्त बांटने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने एक नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो फिशरी सेक्टर के मछुआरे जो अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र में है उनको संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जब तक वो संगठित क्षेत्र में नहीं आएंगे तब तक नहीं हो सकेगा। सिर्फ मछुआरों को ही हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम उसके अदर्स स्टेक होल्डर्स जो हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, जो उसके फीस के बायर्स हैं, उन सबको उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो इससे मछुआरों को मार्केटिंग में भी सुविधा होगी, एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट में सुविधा होगी, और फिशरमैन्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे और रजिस्टर्ड होने के बाद वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। तो ये उसका इसकी तैयारी है। इसके अलावा हम लोग एक
370 करोड़ की लागत से हम लोग एक स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स बना रहे हैं। उसके अलावा हम लोग इंटेग्रेटेड एक्वा पार्क बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, जो हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि 5 इंटेग्रेटेड एक्वा पार्क हम बना रहे हैं, उड़ीसा में बना रहे हैं, आंध्र में बना रहे हैं, गुजरात में बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। स्टेक होल्डर से हमारा कंसल्टेशन चल रहा है और स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद ही हम इस पर कोई अंतिम निर्णय ले पाएंगे। तो ये 100 डेज के अंदर हम लोगों ने फिशरी सेक्टर में ये काम किया जी। अब पशुपालन के क्षेत्र में आप अगर ये जानिए तो पशुपालन के क्षेत्र में हमारा जो आज मिल्क प्रोडक्शन है देश में नंबर 1 पर है। हम विश्व में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। हमने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चिलिंग प्लांट्स की व्यवस्था की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो किसान हैं, वो किसान ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, संगठित क्षेत्र में है, कोऑपरेटिव के माध्यम से हम उसको लाना चाहते हैं। जैसे आपने उदाहरण देखिए आप एक अमूल या हमारा बिहार में कॉम्फिट देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर में होने के कारण उसका बहुत लाभ हुआ है। तो उसी तरह हम अन्य राज्यों में भी जहाँ थोड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर कमजोर है उसको हम मजबूती के साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है कई राज्यों में प्रयास कर रही है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसमें करोड़ों किसान हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हैं और शायद ये पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर होगा कि आप उनको एक साथ एक अम्ब्रेला में संगठित तरीके से लाएं, जिससे कि इट विल बी अ विन विन सिचुएशन जो सबके लिए एक अच्छा फायदा होगा। नहीं, जब तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आएंगे तब तक किसानों को लाभ भी नहीं होगा, वास्तविक लाभ नहीं होगा और उनको वास्तविक लाभ के लिए आवश्यक है। अब इसके अलावा हम मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार करना चाहते हैं। हमारी 2 टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी है सेक्स सॉर्टेड सीमेन। सेक्स सॉर्टेड सीमेन पहले 5,000-6,000 रुपए में 3 सॉर्ट होता था, अब NDDB ने उसको देश में विकसित किया और देश में विकसित करके अब 200-250 रुपए के कीमत पर वो किसानों को मिलेगा। इससे क्या फायदा होगा कि नस्ल सुधार होगा और नस्ल सुधार होगा अच्छी क्वालिटी के मेल या फीमेल बछड़े या बछड़ी पैदा होंगे अच्छे क्वालिटी के। लेकिन सेक्स सॉर्टेड सीमेन में 90% बछड़ियां पैदा होती, अब अगर बछड़ियां पैदा होंगी तो स्वाभाविक तौर पर जो सड़कों पर लोग छोड़ देते हैं वो नहीं छोड़ेंगे और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजी है IVF टेक्नोलॉजी, IVF टेक्नोलॉजी नस्ल सुधार के साथ साथ जो पशुधन है उसकी उत्पादकता को भी बढ़ाता है। तो अगर हम IVF टेक्नोलॉजी से करते हैं तो कोई 5 किलो दूध देने वाली गाय वो 12 किलो दूध भी देना शुरू कर देगी, तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो IVF टेक्नोलॉजी भी पहले हम इंपोर्ट करते थे, उसका जो IA था, अब देश में विकसित हुआ है और 20,000 करीब कॉस्ट पहले इंपोर्ट करने पर आता था, उसमें 5,000 सरकार उसकी सब्सिडी देती थी, लेकिन फिर भी 15,000 रुपये उसका कीमत पड़ता था जो आम किसानों के लिए अफोर्डेबल नहीं था। अभी देश में हम लोगों ने NDDB ने विकसित किया है, वो लगभग 11,000 रुपये है और अगर 5,000 रुपए हम सब्सिडी देते हैं तो वो 6,000 रुपए में किसानों को उपलब्ध हो जाएगा। अब अगर 6,000 में किसानों को उपलब्ध हो जाए तो स्वाभाविक कोई भी किसान 6,000 एफोर्ड कर सकता है अपने नस्ल को सुधारने के लिए, अपने पशुधन के उसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त हम जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है डेयरी सेक्टर में FMD की, फूट एंड माउथ डिजीज,
इसको दूर करने के लिए हम लोग फ्री वैक्सीनेशन घर तक दरवाजे तक पहुंचा के किस जानवरों को पशुधन को हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं। और एफएमडी मुक्त अगर हम लोग का लक्ष्य है, इस देश को एफएमडी मुक्त करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश है कि देश को एफएमडी मुक्त देश बनाइए ताकि हम दूध के उत्पादन को विदेशों में भेज सकें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला कैबिनेट ने किया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। हाई लेवल कमेटी की एक सिफारिश थी, उसको स्वीकार किया आप। इसके पीछे सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, यह निर्णय जो ऐतिहासिक निर्णय, क्योंकि एक देश एक चुनाव, यह देश की आवश्यकता है, देश के हित में है, देश के विकास में। आज कहीं विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कभी मिड टर्म पोल हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पूरा प्रशासन और पूरा जो पारा मिलिट्री से लेके पूरा जिला प्रशासन का जो फोर्स है, पुलिस व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था चुनाव में लग जाती है। इससे सबसे बड़ा असर पड़ता है कानून व्यवस्था। आज पारा मिलिट्री की आवश्यकता देश की सीमा पर है, देश की सुरक्षा के लिए, और उसको हम महीनों चुनाव में लगा के रखते हैं। तो हमारी देश की सुरक्षा से समझौता हम करते हैं, तो बार बार करने से, लेकिन चुनाव कराना भी हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो पांच साल में एक बार चुनाव कराओ, रोज रोज चुनाव कराने का क्या मतलब है? देश में एक बार चुनाव हो जाए, जिस राज्य में जिसको जीतना है, जो जिसकी सरकार बननी है बन जाए, पांच साल फिर काम करे। अब कोई अगर विरोध कर रहा है इसका, तो उसका राजनीति कोई विरोध का कारण नहीं बता रहा, लेकिन सिर्फ चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अच्छी सोच के साथ इसको आगे बढ़ाया, इसलिए उसका विरोध करना है। ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी हाई लेवल कमेटी के सेक्रेटरी को, कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फॉलो वन नेशन वन इलेक्शन। उन्होंने कहा यह सोच मुझे समझ नहीं आ रहा है। आरजेडी ने कहा कि व्यवहारिक नहीं होगा, टेक्निकल खामियां हैं। इन सब लोग जो विरोध कर रहे हैं, इनको पता है ना 1962 तक इस देश में एक चुनाव होता था, एक देश में एक ही चुनाव होता था। 62 के बाद यह साइकिल खराब हुआ ना, तो अब उसको जो होता था उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानूनी रूप दे रहे हैं। तो इसमें उनको क्या, ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उनको क्या नहीं समझ में आ रहा है? 1962 में वो नहीं थी क्या राजनीति में? 1962 में भी तो थी ना वो राजनीति में, तो उनको पता नहीं था कि 1962 तक ये चुनाव होता था, एक ही चुनाव होता था। तो इसलिए राजनीतिक रूप से कुछ कहना है तो इसलिए आप कहते रहिए, लेकिन कोई तर्क नहीं है। और तर्क नहीं हो तो किसी चीज का विरोध करने के लिए कुतर्क बनाइए, ये उन लोगों की मंशा है। और कुतर्क है, इसमें कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिकल बात नहीं है। लॉजिकल बात यह है कि इस देश में, इस देश के हित में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, 5 साल तक फिर सरकार चलाइए, 5 साल के बाद फिर जनता के बीच जाइए। एक आखिरी सवाल से था कि अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हम इसी टर्म में इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आपको लगता है ये पॉसिबल होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड भी करना होगा? नहीं, जितना जल्दी हो सके इसको करना चाहिए, हम इससे सहमत हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर।